हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं कविता अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो बड़ों को मेरा प्यार भरा पलक और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। यहाँ पे सुबह के बज गए हैं 7 और मैं उठ गई हूँ। अयान का दूध भी रख गया है, अयान भी उठ गया है और यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। चाय बन के लगभग रेडी हो गई है, मैं भी पी लेती हूँ चाय। आप लोगों को मिलती हूँ मैं चाय पीने के बाद मैं जो है ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे सब कुछ मैंने रेडी कर रखा है। मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी और यहाँ पे मैंने जीरा लहसुन प्याज भुनने के लिए डाल दिया है, देख सकते हो। अभी जो है प्याज डाल रही हूँ और इसको जो है अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। पहले इस तरीके से जो है इसको जो है अच्छे से फ्राई कर लेना है, देख सकते हो आप। जब तक प्याज फ्राई नहीं होता है तब तक उसमें कुछ भी नहीं डालना है। यहाँ पे जो है प्याज मेरा फ्राई हो चुका है, देख सकते हो आप। और यहाँ पे प्याज फ्राई हो गए हैं। मैंने इसमें मटर डाल दिए हैं, मटर भी डाल दिए हैं, देख सकते हो। और इनको भी अच्छे से भून लेती हूँ, क्योंकि जब तक मटर अच्छे से भूनते नहीं हैं तो ये पकते नहीं हैं। अगर सफल मटर होते हैं तो वो तो पक जाते हैं जल्दी से, लेकिन ये मटर को जो है भूनना पड़ता है अच्छे से इस तरीके से। और यहाँ पर मैं इनको अभी भून रही हूँ। जब तक ये अच्छे से भून नहीं जाएंगे तब तक इनको भूनूंगी। इस तरीके से इनको अच्छे से भून लेना है। तो गाइस, यहाँ पे मेरे मटर भून चुके हैं और इसमें अब मैंने डाल दिए हैं टमाटर। इनको भी अच्छे से गलने दूंगी। जब तक ये गलेंगे नहीं तब तक ये पकेंगे नहीं। और जब तक मेरे टमाटर गल चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप, टमाटर भी गल गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर 2 चम्मच 3 चम्मच और ये 4 चम्मच। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार जितना भी आप खाते हो। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, देख सकते हो लाल मिर्च। और इसके बाद अब मैं इसमें डालूंगी नमक अपने स्वाद के अनुसार जितना भी आप खाते हो, और इसको अच्छे से मिला लूंगी इस तरीके से। अब इसमें डाल दूंगी मैं पानी, ये देख सकते हो। ये पानी कम होगा, इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी अभी, और तब आलू भी मिला देती हूँ। आलू भी पकेंगे, इसको भी अच्छे से मिला लेती हूँ। और इसमें जो है थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ इस तरीके से। और इसको जो है आप ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ देती हूँ यहाँ पे। जब तक सब्ज़ी पकती है तब तक मैं गूंद लेती हूँ आटा, और यहाँ पे मैं गूंद रही हूँ अभी आटा। और देख सकते हो अभी जो है मैं आटा गूंद रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा आटा गूंद के हो गया है रेडी, देख सकते हो आप। और इसको जो है मैं रख देती हूँ, और इसको आटा को गूंद के रख देती हूँ। यहाँ पे मैं मौसम की बात करूँ तो पूरा कोहरा लगा है, देख सकते हो आप। ये देखो पूरा जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सारा कोहरा लगा है। ये देखो इधर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हो। ठंडा जो है काफ़ी बढ़ गया है, बहुत ही ठंडा हो गया है। ये देखो पूरा कोहरा लगा है। अब जा रही हूँ मैं नीचे को। गाइस, यहाँ पे मेरी सब्जी बन चुकी है, देख सकते हो। ये देखो, और इसमें मैंने चाय रखी है, रोटी भी बन गई है साथ में। और
और फटाफट से जो है लंच भी पैक कर देती हूँ अयान के पापा के लिए और उनको नाश्ता भी दे देती हूँ। अयान के पापा को दे दिया है मैंने खाना और इसमें उनका लंच भी पैक कर दिया है, देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने लंच कर दिया है पैक और मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। गाइस यहाँ पे मेरा सारा काम निपटा लिया मैंने, सब काम हो गया है। अब जो है अयान को कल से आया था बुखार, अयान कल भी स्कूल नहीं गया था, आज भी मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा क्योंकि स्कूल में अगर बुखार आ जाता तो, इसलिए वो घर ही पे है और मैं पढ़ाती हूँ उसको थोड़ी देर किताब और आप लोगों से मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे कर रहा है अभी अयान पढ़ाई, इसका चेहरा देख सकते हो उतरा है, आज ढीला हुआ है। और मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस यहाँ पे अयान को मैंने पढ़ाई करा दी है, किताब पढ़ा दिया है और यहाँ पे अयान खा रहा है अभी खाना, दिन का लंच खा रहा है। ये खा रहा है गुड़ रोटी क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है और ये कह रहा था मुझे गुड़ और रोटी दो, सब्जी तो है लेकिन सब्जी नहीं खा रहा है ये। और इसको मैंने दिया है गुड़ रोटी और मैं भी खाती हूँ सब्जी रोटी और आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी शाम के बज गए हैं 6, हम जा रहे हैं सब्जी लेने। दिन से हम जो है लंच करने के बाद बिस्तर पे बैठे थे क्योंकि बाहर ठंडा हो रहा है और शाम के अभी 6 बज चुके हैं, सब्जी लेके आते हैं और आपको मैं मिलती हूँ सब्जी मंडी पे। अयान भी घर पे ही है और सोया था और अभी मैं उसे घर पे ही छोड़ के आई हूँ। तो अभी हम हैं रास्ते पे, हिनू की भी तो लड़की हुई है, लड़की हुई है हाँ, नहीं देखी लड़की हुई है तो हिनू को बहुत बहुत बधाई, तू भी दे दे बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो हिनू को। और तो हम पहुंच चुके हैं सब्जी मंडी पे और यहाँ पे रख लिए रोटी मेरे लिए टमाटर, मंडी पे लगी है बहुत भीड़। नहीं एक किलो, तो यहाँ से मैं ले रही हूँ आलू क्योंकि आलू भी ख़त्म हो रखे हैं, इसलिए यहाँ से मैं भर रही हूँ अभी आलू, देख सकते हो। और यहाँ पे मेरी हेल्प करने रोशनी भी आ गई है, रोशनी भी भर रही है आलू फटाफट से, हमने जो है आलू भरे और उसके बाद आलू लिए और फटाफट से यहाँ से आलू लिए। और मंडी में आप देख सकते हो कितनी भीड़ हो रखी है, ये देखो बहुत भीड़ हो रखी थी मंडी पे, काफ़ी भीड़ हुई है। और मंडी पे जो है सब्जी भी काफ़ी महंगी मिल रही थी, यहाँ से मैंने ली मूली, अभी जो है अंकल जी यहाँ पे मूली तोल रहे हैं और यहाँ से हमने ली मूली। और यहाँ पे मैंने यहाँ से लिया गोभी। अभी हम आ रहे हैं घर को वापस है, कटे सेब
20 रुपए किलो, सेब 20 रुपए किलो। सस्ते के चक्कर में बिक गए हो। सौ सौ की सेल, सौ रुपए। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ घर पे और सब्जी लेके आ गई हूँ और मैं बना लेती हूँ अपने लिए चाय। चाय बना के चाय पी लेती हूँ, आप लोगों से मैं मिलती हूँ उसके बाद। यहाँ पे मैंने अयान को पढ़ा दिया है किताब और ठंड काफ़ी बढ़ गई है। मैंने कैप डाल रखा है, शॉल ओढ़ रखा है, देख सकते हो। और मैं भी कर लेती हूँ डिनर की तैयारी, डिनर बना लेती हूँ। डिनर में मैं बना रही हूँ दाल रोटी, फटाफट से डिनर बना लेती हूँ क्योंकि अयान के पापा भी आने वाले हैं। और मैं अपनी वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।